नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूँ आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है साल 2023 में। पितृपक्ष देखिए 15 दिनों का है, 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष के ये 15 दिन होंगे। दोस्तों, पितृपक्ष में जैसा कि हम सभी जानते हैं, पितृपक्ष को श्राद्ध भी कहा जाता है। तो इन 15 दिनों में श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों के निमित्त जो भी हम कर्म करते हैं उसे ही श्राद्ध कर्म कहा जाता है। दोस्तों, इन 15 दिनों में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण, दान पुण्य के कर्म आदि किए जाते हैं। तो अब ऐसे में एक सवाल बहुत लोगों ने ये पूछा है कि पितृपक्ष के दिनों में, जो कि ये 15 दिन अपने पितर देवताओं को समर्पित हम रखते हैं, तो ऐसे में क्या घर में अपने पूजा स्थल पर देवी देवताओं की पूजा हमें नियमित उसी प्रकार करनी चाहिए जैसा कि हम करते आ रहे हैं। कई लोग रोजाना मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर देवी देवताओं का पूजन करते हैं, तो क्या उन्हें रोजाना मंदिर जाना चाहिए, या जब भी मंदिर जो लोग पितृपक्ष के दिनों में जाना चाहते हैं, क्या वो मंदिर जाकर के वहां पर भी पूजन अर्चन कर सकते हैं देवी देवताओं की। तो देखिए, ये एक जो सवाल है उसका जवाब इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मन में किसी प्रकार का संशय ना रहे, क्योंकि ये 15 दिन देखिए है तो पितरों के समर्पित, पितरों के निमित्त ये पितृपक्ष है, जिसमें कि हर इंसान, हर व्यक्ति अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कार्य अगर, उपाय अगर करता है उनके निमित्त, तो पितर प्रसन्न होते हैं। और पितर देवता जो प्रसन्न होते हैं, तो जीवन में हर प्रकार के जो हमारे कष्ट हैं, दुख हैं, संकट हैं, उसको हर लेते हैं। हमारी आर्थिक उन्नति, तरक्की हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, ये जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त होने जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे इन जानकारियों के साथ, तो वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे बहुत सारी जानकारियां मैं आपके साथ पितृपक्ष से जुड़ी हुई भी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, शेयर कर रही हूं। दोस्तों, अब जो आज का ये एक सवाल लिया है मैंने कि क्या पितरों की पूजा के साथ देवी देवताओं की पूजा हमें करनी चाहिए। दोस्तों, देवी देवताओं की पूजा पितृपक्ष में भी हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। चाहे हम घर में ये पूजन करना चाह रहे हो, अपने घर में रखे हुए मंदिर में देवी देवताओं की, या हम मंदिर जाकर पूजन करना चाहते हैं देवी देवताओं की, देवी देवताओं की पूजा में कोई मनाही नहीं है, शास्त्रों में कोई रोक नहीं है। पितृपक्ष में भी आप रोजाना जिस प्रकार से अपने घर के देवताओं का स्नान कराते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, जिस भी विधि से आप रोजाना का पूजन करते हैं, आपको वो पूजन करना ही चाहिए। इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। देखिए, ऐसा कहीं वर्णित नहीं है कि पितृपक्ष में हम सिर्फ पितरों की पूजा करें। सर्वप्रथम देवी देवताओं की पूजा कर करके ही हमें पितरों के निमित्त जो कर्म हम करना चाहते हैं, श्राद्ध, पिंड दान, तर्पण, वो कर्म करना चाहिए। देखिए, देवी देवताओं की पूजा का समय ब्रह्म मुहूर्त हम सभी जानते हैं बहुत शुभकारी होता है। तो सुबह के समय आपने पूजा कर ली, उसके बाद में पितरों के निमित्त जो कर्म करते हैं उसके लिए दोपहर के समय को सबसे सर्वोत्तम बताया गया है। 11:30 से 12:30 तक का ये समय ऐसा लिया जाता है, मान लीजिए इसे 1 घंटे का। तो इसमें जो भी हम कर्म करते हैं अपने पितर देवताओं के निमित्त, वो हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होता है। तो दोस्तों, मन से ये शंका बिल्कुल निकाल दें कि घर में आप देवी देवताओं का पूजन इन 15 दिनों में नहीं कर सकते। दूसरा, ये जो सवाल कि क्या मंदिर जाकर के आप पूजन कर सकते हैं, मंदिर जाने की तो मनाही नहीं होती है पितृपक्ष में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी मंदिर में जाकर के आप जैसे पहले करते आए थे पूजन, पितृपक्ष के दिनों में भी वैसे ही पूजन अर्चन करते आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पितृपक्ष में जो ये 15 दिन है, पितरों के निमित्त तो है, लेकिन हम देवी देवताओं के पूजन को रोकते नहीं है, हम साथ में करते हैं। हालांकि साथ में पूजा करने का मतलब है दोनों का समय अलग है, लेकिन इन दिनों में जैसे कि 15 दिन जो हैं पितरों के निमित्त, इसमें हम देवी देवताओं का भी पूजन करते हैं और पितरों के निमित्त भी पूजन अर्चन करते हैं। कुछ और खास बातें हैं ध्यान रखने वाली, वो जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, कभी भी मंदिर में आपको अपने पितर देवताओं की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। उनकी दिशा दक्षिण की दिशा है,
तो दक्षिण की दीवार, आपके घर में जो भी दक्षिण दिशा की दीवार हो वहां पर अपने पितरों की तस्वीर लगाएं, पितरों के निमित्त जो भी आप कर्म घर में करना चाहते हैं, जैसे कि आप दीपक लगाना चाहते हैं शाम के समय, तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सरसों के तेल का दीपक आपको पितरों के निमित्त लगाना चाहिए। आप भोजन निकालना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर ही उनके निमित्त आपको भोजन भी निकालना चाहिए। दोस्तों, इन दिनों में श्राद्ध पक्ष में आपको कौवा, कुत्ता और चींटी, इनके नाम का भोजन जरूर निकालना चाहिए। इनको भोजन, जो भी पशु पक्षी आपको मिले उनको भोजन आपको जरूर कराना चाहिए। इसके साथ ही कोई भी ब्राह्मण आ जाए उनका भी सेवा सत्कार आदर भाव आपको करना चाहिए। दान दक्षिणा पितरों के निमित्त उन्हें करना चाहिए। कोई भी भोजन आप कराएं तो इस बात का ध्यान रखें कि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो, तो वो पितरों के निमित्त जाता है। तो इस प्रकार से करने से पितर प्रसन्न होते हैं। घर में कभी भी देवी देवताओं की पूजा हमें नहीं रोकनी चाहिए। तो ऐसा मन में अगर आपके भी सवाल शंका आ रहे थे तो उस पर विराम लगाते हुए आप रोजाना जिस प्रकार से उनकी आराधना करती आई है पूजन, वो करते रहें। उम्मीद करती हूँ ये जो एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी आपके साथ मैंने शेयर की, आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिजनों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की बहुत सारी जानकारियां आपको यहाँ पर प्राप्त होती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।